हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक अपडेट आई है हिंदी पीएचडी एडमिशन के रिगार्डिंग। आप लोग कमेंट करके पूछ रहे थे और लेकिन अभी तक लिस्ट नहीं आई थी। अब वेबसाइट पर लिस्ट आ गई है और ये जो सामने है यही है लिस्ट। और ये देख लें, ये जो लिस्ट है इसमें अनारक्षित श्रेणी के जो बच्चे हैं उनका जो नाम है आप देख सकते हैं। देख लें आप, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और इसकी जो लिस्ट है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम मैं लिंक में दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब लिंक देख लें, ये जनरल बच्चे हैं, जनरल बच्चे 50 हैं टोटल, ठीक है। अब यहाँ से SC के बच्चों की लिस्ट है, ये नाम देख लें आप, देख लें आप 19 बच्चे हैं SC में, ठीक है। और इसके बाद है ST में, देख लें आप ST में टोटल 10 बच्चे हैं। और यहाँ पर फिर OBC में देख लें आप, OBC में टोटल 34 बच्चे हैं। इतने सारे बच्चों का हुआ है सिलेक्शन एडमिशन के लिए। और ये PWD हैं, 6 बच्चे इसमें हैं। और EWS श्रेणी में 12 बच्चे हैं। चलिए देखते हैं नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट में क्या क्या कहा गया है। देखिए आप देख रहे होंगे, संबंधित अभ्यर्थियों के शोध विषय और शोध निर्देशकों की सूची ज़्यादा शीघ्र घोषित की जाएगी, जिसमें पंजीकरण हेतु अभ्यर्थियों के लिए आगे की कार्रवाई के संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सूचना दी जाएगी। अभी अभ्यर्थियों को विभाग में आने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है आप ज़्यादा परेशान ना हो, आपको सूचित किया जाएगा वेबसाइट के माध्यम से, ठीक है। वो भी दिल्ली की जो वेबसाइट है उसी पर। और दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार PhD पंजीकरण हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूर्ण न पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की पंजीकरण प्रक्रिया किसी भी समय रद्द की जा सकती है। यानी कोई भी बच्चा इसमें अपात्र पाया जाता है रजिस्ट्रेशन के बाद, तो उसको उसकी जो कैंडिडेचर है उसको रद्द कर दिया जाएगा, यही कहा गया है। तो आप लोग सभी को बेस्ट ऑफ लक जो भी पास हो गए इसमें, और आप लोग अभी वेट करें। इसके अलावा एक और अभी डेट आएगी, लिस्ट आएगी, इसमें आपको पंजीकरण करना होगा, उसकी डेट अलग से आएगी और पंजीकरण कर लीजिएगा। उसके बाद जो डिटेल होगी उसमें अलग से दिया जाएगा, तो आपको हम सूचित करेंगे। ये अपडेट थी। अगर सूचना पसंद आई हो तो लाइक करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहे।